यहां पे दरख्त, बड़े बड़े दरख्त उगाए करते थे, ये दरख्त कहां गए? ये हमारे सामने कटे हैं, जो काट के ले जाए सिविल सोसाइटी, हम एज ए शहरी हम कहां? मतलब मान लिया कि जनाब सरकार ने, इदारों ने, किसी ने गफलत कर दी। बात यह है कि सिविल सोसाइटी है, क्यों लोग खड़े नहीं हुए कि जनाब ये 100-100 साल पुराने दरख्त आप एक बिल्डिंग की खातिर कैसे काट सकते हैं? कौन आखिर इसके लिए आगे बढ़ेगा? है जुर्म जईफी की सजा मर के मफा जाता। इस तरह अगर हम जईफ रहेंगे तो फिर मर के मफाजात है, फिर तो मतलब हम अपने तबाही को दावत देंगे। सिविल सोसाइटी जिसको आप डेवलपमेंट सेक्टर कह लें, उर्फे आम में सिविल सोसाइटी इसको कह लें, ये तो बाशऊर होने के दावेदार लोग हैं जनाब। महफिलों में उठते बैठते जो है कहते हैं कि जी प्लेटफॉर्म नहीं है, सिविल सोसाइटी को जो है पनपने का मौका नहीं दिया जा रहा। और कैसे मौका दिया जा रहा? सिर्फ ये तो नहीं है कि जी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसमें जब तक आपको किसी डोनर से कोई फंड वंड मिल गया तो आप काम कर रहे हैं, फंड नहीं मिला तो बस आप गवर्नमेंट होके बैठ गए। इसको तो सिविल सोसाइटी का नाम नहीं दिया जा सकता। कचरा जो है वो दुकान से निकाल के नाली में डाल दें, हम जो है वो मुर्दा जानवर बाड़े से निकाल के नाले में डाल दें। हमने यहाँ नालों में से, मैं अब बोल बोल के थक गया हूं कि हमने गांव तकिए निकाले हैं नालों में से, हमने कालीने निकाली हैं नालों में से, कि किसने फेंकी? बाहर से आके लोग फेंकते हैं, ये हम फेंकते हैं। चले एक तबका है जो इस बात को नहीं समझ रहा, तो उसको कौन समझाए? आपने समझाना है। वो क्या फराज ने कहा कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक शख्स भी काफिला है, इक्वालिटी का एक शख्स भी कमिटेड जो है हमारे साथ हो।